अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है फॉर मी एंड आपके लिए भी, क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे दुबई में 2-2.5 साल हो चुके हैं और अबू धाबी मैं टोटल 3 दफ़ा आया हूँ। और बहुत ज़्यादा एक विश थी कि मैं जो उनसे ना जो बिग मॉस्क नहीं मॉस्क मस्जिद जो उनसी शेख जैद मॉस्क है बड़ी, तो बड़ी एक ये ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पे ना जाऊँ। लेकिन जब मैं 2 दफ़ा आया हूँ अबू धाबी तो नहीं आने हुआ, तो फाइनली जो सा मैं आया हूँ शेख जैद मॉस्क, देख सकते हैं आप, अभी पहुँचा हूँ और ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर दुबई से बनता है, दुबई से अबू धाबी 150 किलोमीटर बनता है जो कि मैं आया हूँ यहाँ पे। अभी घूमते हैं, आपको भी घुमाता हूँ, तो सोचा क्यों ना ब्लॉग बनाते हैं। अभी हालत भी बड़ी अजीब सी है क्योंकि मैं सुबह से मैंने मुंह ही नहीं धोया हुआ, बस एक दफ़ा जब उठा 4 बजे तब मुंह धोया है। तो अभी चलते हैं ज़रा बाहर, मैं आपको भी सारा सीन दिखाता हूँ इंशाल्लाह। वीडियो बहुत मज़े की होगी, वीडियो को स्किप नहीं करना और लाइक शेयर लाजम कर देना। अभी पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी है तो चलते हैं बाहर। अभी गाड़ी जो उनसे कर दी है ऑफ, पानी शानी ले लें कि ना ले रहे हैं, पानी को क्या करना है। ओए ये टांगे कसम से दर्द, गाड़ियाँ ऑफ, गाड़ी को कर दिया लॉक। गाड़ी मैं आपको दिखा दूँ ज़रा माशाल्लाह से, ज़रा चेक करें हाँ ज़रा, आह गाड़ी माशाल्लाह देख ली आपने। और ये सारी जो सा पार्किंग है, और मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ, सो जितना कोई मुझे पता चला मैं आपको भी इंशाल्लाह बताऊँगा दिखाऊँगा। पार्किंग बहुत बड़ी है और मस्जिद भी बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। तो अभी चलते हैं, अभी मेरा दिल है यार अंदर जाके, तो नमाज का टाइम भी होने वाला है, बस एक दफ़ा एंटर हो लें तो फिर आपको जो सा सारा सीन दिखाता हूँ मैं। वीडियो इंशाल्लाह आज वाली बहुत मज़े की होगी, और मैं बहुत बहुत ज़्यादा एक दिल में थी कि यार मैं जाऊँ, मतलब काफ़ी दूर है ना दुबई से, तो काफ़ी ज़्यादा दूर है, 150 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर मैं भी ड्राइव करके आया हूँ। अभी मैंने जाना है और टांगे मेरी जवाब दे गई, हालाँकि गाड़ी टोटल जो सा है वो मतलब गाड़ी वो गियर वगैरह वाली नहीं, ऑटोमेटिक है, हालांकि अगर मैनुअल हो तो उससे मतलब मैनुअल हो तो हाथ थक जाए गियर लगा लगा के। तो अभी जाते हैं अंदर वाली साइड पे, पता मुझे भी नहीं कि कौन सी साइड है, किधर से एंटर होना है, ये तो एग्जिट लिखा हुआ है लेकिन मुश्किल नहीं, चलते हैं देखते हैं। ये देखें सिक्योरिटी भी हर जगह पर, यहाँ बहुत बड़ी मस्जिद है यार, बहुत बड़ी मस्जिद है, अल सलाम पीस जोन। पार्किंग देखें, ये सारी पार्किंग है, हमने गाड़ी वहाँ पार्क की है, कौन सी जगह, P-B-6 ओके, ये ना मैं भूल ही जाऊँ कि गाड़ी कहाँ खड़ी की है, छोटा छोटी नहीं है मास्क, ये एग्जिट है बाहर जाने का रास्ता। तो चलते हैं अभी अंदर, P-B वो सामने हम अपनी गाड़ी पार्क है, और इंशाल्लाह दिखाता हूँ आपको सारा। ये देखिए मेरी हालत बड़ी बुरी सी हो गई है, टांगे फुल दर्द कर रही हैं। अभी कोई जगह ढूंढता हूँ जहाँ पे ना कोई वज़ू वगैरह करने वाली को मिल जाए, होगी तो लाजम। देखें माशाल्लाह जी माशाल्लाह, मस्जिद देखें कितनी बड़ी है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में मस्जिद इतनी बड़ी पहली दफ़ा देखी है। मुझे नहीं लगता ये पूरी तो नहीं घूमने होगी, लेकिन जितनी हो सकी दिखाऊँगा आपको। अभी मैं एक दफ़ा फ़्रेश हो लूँ ना थोड़ा, या मुँह शू थोड़ा ठीक आ जाएगा फिर। ओह देखें सामने, आ हा 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 हा, ये देखें दुबई UAE प्रेयर हॉल, ये देखें प्रेयर हॉल दिस साइड। चलते हैं अभी अंदर, और यहाँ पे मज़े की बात पता है क्या है, ज़रूरी नहीं मुस्लिम, यहाँ पे गैर मुस्लिम भी बहुत ज़्यादा आते हैं विज़िट के लिए। मस्जिद बहुत प्यारी है, और ये क्या है, ये मेरे हाथ से शूज़ वगैरह रखने वाली जगह है कोई, लेकिन यार मैं खुद फर्स्ट टाइम आया हूँ, दिखाता हूँ आपको भी सारा सीन, जो जो मैं देख रहा हूँ आपको भी दिखाता हूँ। ये देखें इससे पूछते हैं ये प्रेयर हॉल, यार बहुत बड़ी मस्जिद है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये देखें ऊपर से गर्मी भी बहुत है, पानी सानी, और ये पूरा एंट्रेंस, और यहाँ पे सिख भी मैंने देखे हैं, ये देखें ये बंदा सिख है, ये देखें सिख है लेकिन यहाँ पे आया हुआ है। ये इधर ऑलमोस्ट गोरेश्वर भी बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है, बहुत बड़ी मस्जिद है यार, मैंने तो ज़िंदगी में इतनी बड़ी मस्जिद नहीं देखी। बात तो सही है, खड़ा हो गया, ये लिफ्ट भी है मस्जिद में, और ये भाई से पूछा है
उन्होंने बताया कि नीचे वजू के लिए नीचे जाना पड़ेगा। अभी जा रहे हैं जी हम नीचे, और थकन भी मुझे बहुत हुई है क्योंकि यार मैं 150 किलोमीटर गाड़ी चला के आया हूँ अबू धाबी। ये देखें माशाल्लाह मेल्स टॉयलेट, ओके माशाल्लाह यार बहुत प्यारी मस्जिद है। अभी मुझे ये नहीं समझ आ रहा बाहर कैसे जाऊँगा, है मुश्किल नहीं मैप जिंदाबाद। हाँ ड्रिंकिंग वाटर, ओके रियर साइड और वजू करने के लिए इधर है जगह, वजू के लिए इधर है, वॉशरूम किधर है, वॉशरूम ओके। थैंक यू माशाल्लाह जी ये वॉशरूम साइड है, मैं दिखाता हूँ आपको एक सेकंड ज़रा। ये देखें ये वॉशरूम वाली साइड है सारी, ये टिशू वगैरह सब कुछ। अभी शूज़ उतार लिए और ये जगह जहाँ पे वजू करते हैं, ये देखें ये बच्चा वजू का है, और ये देखें माशाल्लाह यार खुशबू बहुत ज़्यादा प्यारी आ रही है यहाँ से। और ये मैं एक दफ़ा आपको दिखा लूँ फिर वजू करता हूँ, देखें माशाल्लाह अभी यहाँ पे करना है वजू, मैं एक दफ़ा वजू कर लूँ फिर मिलता हूँ आपको। तो ये देखें यहाँ से मैंने वजू कर लिया और ये देखिएगा अभी कुछ खास हालत तो नहीं है क्योंकि मेरे पास कोई नहीं था ब्रश वगैरह बालों शालों के लिए, लेकिन अभी वजू शुरू माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया और अभी लिफ्ट पे खड़ा हूँ और जा रहे हैं ऊपर, वहाँ पढ़ते हैं नमाज और फिर मिलता हूँ आपको इंशाल्लाह। दिखाता हूँ सारी मॉस्क जितनी दिखा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी मस्जिद है मुझे नहीं लगता सारा दिन बंदा घूमता रहेगा और ख़त्म हो सके ये। अभी चलते हैं तो जी ये दूसरी साइड है मस्जिद की जहाँ से मैं इधर चल के आया था, और ये लोगों का रश देखें आप माशाल्लाह कितने लोग विजिट के लिए आए हैं। और ये बहुत बड़ी मस्जिद है, दूसरी साइड पे काफ़ी ज़्यादा लोग हैं। अभी वो सामने प्रेयर हॉल है वहाँ चलते हैं, क्योंकि आया भी हुआ हूँ तो नमाज भी बंदा ना पढ़े यार, ये नाइंसाफ़ी है। ओके तो डेली डेली आने भी नहीं होता, इतनी दूर है ये मस्जिद मेरे से। और अभी मैं अपनी शक्ल इसलिए नहीं ज़्यादा दिखा रहा क्योंकि गर्म चीज़ें खा खा के ना बेड़ा गर्क हुआ, दाने छाने बने हुए हैं। लेकिन आप अभी से ना वीडियो को कर दो ज़रा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, तो आपको पता है कैसे करना है, ऐसे टली छली बजा दो। बाकी वीडियोस अच्छी अच्छी आती रहेंगी, अभी ज़्यादा है धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। और सच्ची मैं बताऊँ मुझे ये भी नहीं याद मैंने गाड़ी किधर पार्क की है, क्योंकि बहुत बड़ी पार्किंग है। लेकिन उसका इशू नहीं है, वो तो मैं ढूँढ ही लूँगा। ये देखें वो मस्जिद का एक मीनार ये है, ये देखें कितनी बड़ी मस्जिद है यार। और वो देखें ऊपर, ये देखें हेलीकॉप्टर। अभी चलते हैं नमाज अदा करने के लिए, मस्जिद बहुत बड़ी है माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये देखिए ये हेलीकॉप्टर गुजर रहा है, ये मस्जिद बहुत बड़ी है। आई थिंक यार ये सारा दिन भी बंदा घूमता रहे तो मेरे ख्याल से ये ख़त्म नहीं होगी। अभी चलते हैं अंदर पढ़ते हैं नमाज। ये है शूज़ रखने वाली जगह और यहाँ शूज़ रखती हैं, ये देखें। और देन नेक्स्ट किधर है प्रेयर, प्लीज प्रेजेंट असेस फॉर प्रेयर साइड किधर है, ये तो शूज़ वाली हो गई, शूज़ इधर रख दी हैं। अभी जाना भी बड़ा भाई, नमाज वाली जगह किधर है, आप भी पढ़ोगा पढ़ेगा और क्या, नहीं मिल रहा नहीं उधर, हाँ जूते तो उतार दिए, ओके ओके ओके। मैं उनसे पूछ रहा हूँ, वो मेरे से पूछ रहे हैं माशाल्लाह। ब्रदर वेयर प्रेयर साइड, इधर करो उधर, हाँ शूज तो रख दिया इधर, ये पठान बिना मारे भाई बस। ब्रदर प्रेयर साइड प्रेयर देख, ओके ओके थैंक यू। पता नहीं इंग्लिश था ये भी बोली है कि नहीं, लेकिन आई थिंक माशाल्लाह माशाल्लाह ऑटोमेटिक डोर है, ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी नमाज पढ़ लूँ फिर करता हूँ।
चोरी करता नहीं मिलता हूँ। अभी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज अदा कर ली है यार, और अभी मैं कोई बंदा ढूंढ रहा हूँ, आंखें नहीं खोल रही क्योंकि ये सामने ये देखें कितनी धूप पड़ रही है। अभी मैं कोई बंदा ढूंढूंगा जो मेरी तस्वीरें वगैरह बना दे और फिर जो सा निकलते हैं। और ये नहीं है जो यार, ये क्या है, ये साइकिल सी, ये घुमाने के लिए है, साइकिल तो नहीं है, पता नहीं क्या है, रिक्शा था, ये क्या है। लर्नर लाइटिंग द मास्क इज सराउंडेड ऑन द आउटसाइड बाय 22 लाइटिंग टावर्स। हाँ, नाइट में इसमें ना मतलब बड़ी प्यारी प्यारी लाइटिंग होती है, क्योंकि मैंने इसकी वीडियोस देखी थी मस्जिद की, रात टाइम बहुत ज़्यादा लाइटिंग होती है यहाँ पे, क्योंकि इतनी बड़ी मस्जिद है तो इसका निज़ाम भी बहुत ज़्यादा आला होगा। ये देखिए माशाल्लाह कितने कितने प्यारे मीनार हैं, और ये सामने मैं आने लगा हूँ, ये यहाँ प्रेयर हॉल। और बाकी किस साइड पे जाना है अभी, इधर यार को बंदा तो मिले, मैं अपने पिछले बनवा लूँ। तो यार ये थी मस्जिद, बहुत ज़्यादा प्यारी है, और हर जगह नहीं मेरे से घूमने होगा क्योंकि बहुत बड़ी मस्जिद है, और घूमते घूमते मेरी तो वैसे ही टांगे दर्द कर रही हैं क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूँ, पैदल तो नहीं आया है लेकिन फिर भी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारी बनाई है यार इन्होंने मस्जिद। अभी चलते हैं सीधा, यार एक तो धूप बहुत है, अभी चलते हैं सीधा गाड़ी की तरफ, मैं कहता हूँ गाड़ी भी ढूंढ लूँ। पता नहीं गाड़ी, पता नहीं B6 इस तरह की कुछ पार्किंग में खड़ी की थी। खैर अभी यहाँ से वो सामने एग्जिट है तो यहाँ से निकलते हैं, और फिर आगे भी बहुत बड़ी है यार अभी मस्जिद, ये देखें। अभी इधर से बाहर निकलते हैं, और ये क्या है, ये देखें, घुमाने फिराने के लिए। अभी इधर से निकलते हैं बाहर, देखा एग्जिट, और फिर एग्जिट। ये देखें यार ये कितने को आ गए इधर, इधर गया। अभी तो आपको पूरा दुबई घुमाना है, मैंने जहाँ जहाँ खुद घूमना है वहाँ वहाँ आपको भी घुमाना है। और अभी यहाँ से चलते हैं हम सीधा पार्किंग साइड पे, जहाँ पे अपनी गाड़ी खड़ी की थी, अभी देखते हैं मिलती भी है कि नहीं, कौन सा चोरी होनी है। लेकिन वैसे ही क्योंकि पार्किंग बहुत बढ़िया है, रेक नहीं है, पार्किंग बहुत ज़्यादा पार्किंग है। तो चलते हैं और वहाँ से देखता हूँ फिर अभी क्या करना है, अभी वापस ही जाना है। 150 किलोमीटर अभी जाना है हमने वापस, ऑलमोस्ट घंटा डेढ़ लगेगा। वो है सामने पार्किंग, B6 बे, ये लिखा हुआ B6 बे। और हाँ वो सामने खड़ी अपनी गाड़ी, इधर से भी जा सकते हैं लेकिन इधर से चलते हैं, जहाँ से रास्ता है वहाँ से चलते हैं। अभी से वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अभी ये जी ये माशाल्लाह सामने मास्क है, और एक फ़ोन मैंने ये लगा दिया चार्ज, और दूसरा मैंने ये लगा दिया। और कुदरती बात है मैंने कभी खाने पीने के लिए कुछ नहीं रखा, लेकिन आज मेरे पास ये केक एक है, भूख भी लगी हुई है, और पानी शानी तो वैसे मैंने रखा होता है ठीक। और दूसरा को चार्ज ये लगाते हैं आईफोन को, और दूसरा जो सा एंड्रॉयड है वो लगा दिया चार्ज। तो अभी कुछ खा पी लें फिर निकलता हूँ यहाँ से। VIP स्पेशल चिप फुल। ओह सॉरी ये क्लोज या थैंक यू VIP स्पेशल फुल। तो यार फाइनली अभी क्या टाइम हो चुका है इधर दिखाता हूँ, ये देखें अभी 4 बज चुके हैं, अभी मैं दुबई पहुँचा हूँ, पंप पे अभी तेल डलवा के जा रहा हूँ फिर सीधा रूम में। तो आज की ये थी वीडियो, आज का ये था व्लॉग, उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को कर दो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।